मॉनसून की विदाई से पहले राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में जमकर बारिश हो रही है। बिहार के कई जिलों में 14 सितंबर को सुबह से ही दिन भर झमाझम बारिश होती रही। आज भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है। आज यानी कि 15 सितंबर को भी सुबह से कई जिलों में बारिश हो रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार आज भी मॉनसून की गतिविधि सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। पूरे बिहार में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन दक्षिण बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। वहीं मॉनसून की गतिविधि में वृद्धि होने से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने और बादल के नीचे होने के परिणाम स्वरूप राज्य के कुछ जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सितंबर माह का दूसरा सप्ताह भी खत्म होने को है। बिहार में पिछले वर्ष की तरह इस बार सामान्य से कम वर्षा अभी तक दर्ज हुई। ऐसे तो 17 सितंबर से राजस्थान से मानसून वापसी होने का सिलसिला शुरू हो जाती है, लेकिन सितंबर माह में भी राज्य में वर्षा होने का संभावना बनी हुई है, जिसमें कमी की मात्रा में हल्की सुधार हो सकता है। बिहार में निश्चित तौर पर वर्षा में कमी के कारण उत्पादकता एवं गुणवत्ता में असर आएगा। अब बात करते हैं मौसमी सिस्टम का। कल मध्य उत्तर प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र था, वह आज उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके सटे उत्तराखंड पर कम चिन्हित हो गया है। दूसरा मौसमी सिस्टम कल बांग्लादेश पर था, आज वह बांग्लादेश और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल पर गहरा दबाव बन गया है और यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर केंद्रित है। यह धीमी गति से आगे बढ़ रही है। गहरे अवसाद की तीव्रता में आगे बढ़ते हुए झारखंड उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। मानसून ट्रफ अब गंगानगर, हिसार, दिल्ली, बिहार के मुजफ्फरपुर होते हुए बांग्लादेश के ऊपर केंद्रित सिस्टम के केंद्र से होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। उपर्युक्त तीनों मौसमी सिस्टम बिहार के लिए अनुकूल बनी हुई है, जिस कारण बिहार के अधिसंख्य जिलों में हल्की से मध्यम एवं एक दो जगहों पर भारी वर्षा अगले 48 घंटों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज यानी कि 15 सितंबर को जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और बांका में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इस वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पटना, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर जिलों में भी भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। आज बिहार के अधिकांश जिलों में ठनका गिरने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस वजह से सभी जिलों में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए लोकल एटिंग को देखते रहें, पढ़ते रहें। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।